नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज़ 24। पंजाब सरकार की तरफ से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग के साथ 27 फरवरी 2020 से 2 मार्च 2020 तक राष्ट्रीय पशुधन चैंपियनशिप और एग्री एक्सपो 2020 करवाई जा रही है। यह 5 रोज़ा समागम बटाला की पुड्डा ग्राउंड में करवाया जाएगा और इस राष्ट्रीय पशु मेले को लेकर डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर मोहम्मद इशफाक की तरफ से राष्ट्रीय पशुधन चैंपियनशिप और एग्री एक्सपो 2020 बटाला की तैयारियां संबंधित अधिकारियों की एक विशेष मीटिंग स्थानिक पुड्डा ग्राउंड बटाला में की गई। बटाला से अमित नाहर और नरेश संगोत्रा की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जी सर, जिला पशुधन मेला जिला गुरदासपुर में मनाया जा रहा है, वो तैयारियों के लिए एक मीटिंग की है जिसे डिपार्टमेंट स्पेशल सैकटरी साहब डायरेक्टर साहब के होर सीनियर अधिकारियों ने भाग लिया है। तो अज अभी जायजा लिया है कि सारे डेलीगेट्स आने उन्होंने लिए रहने का इंतजाम, पशुओं के लिए इंतजाम, ट्रैफिक का अरेजमेंट, सिक्योरिटी का अरेजमेंट सारा जायजा लिया है। जो फुली प्रिपेयर टू होस्ट द इवेंट, सानू उम्मीद है कि 4 लाख लोग पार्टिसिपेट करेंगे और मैं आप जी तरह मीडिया में बेनती करना कि सारे पास से अभी प्रचार करिए। एक बड़ा अच्छा ही मेला है, इसका बहुत बहुत प्रचार किया जाए। ये असी जो स्पेशल स्कीम ने सरकार की चलाई जा रही हैं खास करके फार्मर्स वास्ते, वो भी प्रमोट की जाएगी। जोड़ा एक मिल्क एडल्ट्रेशन का केस चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, असं मिशन तंदुरुस्त पंजाब राही उन्होंने भी प्रमोट करा और जो सा पशु इतने आ रहे हैं उन्होंने मुकाबले कराए जाएंगे, जोड़े विनर होंगे उन्होंने प्राइज दिए जाएंगे। तो बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट होने जा रहा है जिला गुरदासपुर वास्ते और एक गुरदासपुर लिए एक बड़े ही मान की गल है कि पहली बार फंक्शन जो बनाया गया। ਚਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਤਾਈ ਤੋਂ